हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल ट्रेडर जोन में। आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक शानदार तेज़ी दिखाई है येस बैंक ने। क्या ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी और एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है येस बैंक के रिलेटेड, क्या न्यूज़ निकल कर आई है वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। और बहुत ही शानदार डेटा निकल कर आया है जो इंडिकेट कर रहा है येस बैंक यहाँ से तेज़ी पकड़ता हुआ दिख सकता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा था फ्रेंड्स, अगर येस बैंक टूटता भी है तो इसका स्ट्रांग सपोर्ट है 12 रुपए, उसके नीचे जाना काफी मुश्किल है येस बैंक के लिए। और आपने देखा भी है ये कई महीनों से लगातार 12 रुपए और 14 रुपए के बीच में ही चलता हुआ आ रहा है। इस समय येस बैंक के शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए? ये ऊपर जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा और इसमें से कब एग्जिट कर लेना चाहिए? ये सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाद जो बेल की घंटी है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ और प्रॉफिटेबल ट्रेड सबसे पहले मिले। चलिए सबसे पहले तो हम इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसने क्लोजिंग दी है 13 रुपीज़ 15 पैसे पर। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 4.37% की तेज़ी देखने को मिली है। आज एक शानदार तेज़ी दिखाया है येस बैंक ने। जैसे कि आपको पता ही है यूक्रेन और रशिया का तनाव अभी भी चल रहा है और उसका असर आपको पहले दिन देखने को मिला है और दूसरे दिन सभी शेयर्स ने एक बड़ी रिकवरी दिखाई है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा था येस बैंक को गिरावट में खरीदना चाहिए और आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो उसी प्रकार से येस बैंक ने एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है। ये ओपन हुआ था 12 रुपीज़ 85 पैसे पर, यह हाई लगाया 13 रुपीज़ 35 पैसे और लो लगाया 12 रुपीज़ 85 पैसे। जैसे कि आपने देखा ही है मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, इसके बाद एक रेंज बाउंड हो चुका था येस बैंक और ये 13 रुपये और 13 रुपये 30 पैसे के बीच में ही शफलिंग कर रहा था दिन भर। और अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो ये अपने डे के हाई के पास ही क्लोजिंग दिया है फ्रेंड्स। चलिए अब हम NSE पर देख लेते हैं कैसा कारोबार है। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद भी 13,788 के बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अगर हम ट्रेडेड क्वांटिटी देखें तो 10 करोड़ 28 लाख 83,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और 3 करोड़ 73 लाख 41,000 की डिलीवरी ढाई गई है। परसेंटेज में देखें तो 36.29% की डिलीवरी ढाई गई है। कल भी इसमें जमकर बाइंग की गई थी फ्रेंड्स और आज भी एक बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग हुई है। चलिए अब हम BSE पर भी देख लेते हैं। BSE पर क्वांटिटी ट्रेडेड है 2 करोड़ 49 लाख 44,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और डिलीवरी ढाई गई है 86 लाख 63,000 की। परसेंटेज में देखें तो 34.73% की डिलीवरी ढाई गई है। चलिए अब हम वॉल्यूम एनालिसिस भी कर लेते हैं। यहाँ 1 मंथ का एवरेज है 11 करोड़, 1 वीक का एवरेज 12 करोड़ और थर्सडे इसमें 21 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे 13 करोड़ का। इस समय सभी शेयर होल्डर्स को मैं सजेस्ट करूंगा क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करिए और उसमें निवेश कीजिए ताकि आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिले। येस बैंक का फंडामेंटल काफी वीक है, इसकी वजह से ये 14 रुपए के ऊपर नहीं जा पा रहा है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो इसमें पोजीशन बनाकर रह सकते हैं। इसके NPS बड़ी मात्रा में रहने की वजह से आपको कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अगेन फ्रेंड्स, जो गिरावट हुई है उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए, क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश कीजिए और एक अपॉर्चुनिटी मिली है सभी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाइए। चलिए अब हम चार्ट पर देख लेते हैं कैसा कारोबार था। यहाँ आप देख सकते हैं थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी गिरावट थी। जैसे कि आपको पता ही है जो यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध छिड़ गया है उसका असर आपको थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला और फ्राइडे इसमें रिकवरी देखने को मिली है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था, जब भी ये 13 रुपीज़ पर आता है तो हमें आंख मूंछ कर इसमें फ्रेश बाइंग कर लेनी चाहिए। जिन लोगों ने भी मेरा पिछला वीडियो देखकर बाइंग की थी उन्हें एक अच्छा मुनाफा दिखाई दे रहा होगा और जब ये 14 रुपीज़ पर आ जाएगा तो आप एग्जिट कर ले सकते हैं फ्रेंड्स। हाँ, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप इसमें निवेश करके बैठ सकते हैं। जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आएगी तो ये रॉकेट की तरह उड़ता हुआ दिख सकता है। अगर हम MACD को देखें तो MACD में बड़े वॉल्यूम बार्स बन रहे हैं और इस समय इंडिकेटर पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है और RSI भी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है और विलियम परसेंटेज ओवरसोल्ड की जोन से हटकर ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। ओवरऑल अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर्स पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। अभी जो लेवल है इस लेवल पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका एग्जिट रहेगा 14 रुपीज़। और कई लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं येस बैंक पर वीडियो बनाना छोड़ दो और इसका कुछ होने वाला नहीं है। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, येस बैंक का भला हो ना हो हमारा तो भला हो रहा है, हम पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं इस मूवमेंट का। अगर आपको ट्रेडिंग करना पता नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
मैं बार बार जता जता कर कह रहा हूँ, येस बैंक 12 रुपये और 14 रुपये के बीच में ही चल रहा है, हमें इस मोमेंट का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग समझदार हैं वो समझ चुके हैं और वो मुनाफा कमा रहे हैं, और जो दूसरों के बारे में बताते हैं वो सिर्फ बताते ही रह जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप भी इस बहकावे में मत आइए, ये 14 रुपीज़ का टारगेट ज़रूर अचीव करेगा, आप वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। फ्रेंड्स ये तो मेरे व्यूज़ है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर इनक्रेज करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल कलर का बटन दबा दीजिए, उसके बाजू जो घंटी है वो भी दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की प्रॉफिटेबल ट्रेड सबसे पहले मिले।